ग्वालियर के हजीरा थाना इलाके में एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि ग्वालियर के हजीरा थाना इलाके के न्यू क्रासिम विहार कॉलोनी में रहने वाला श्याम शिवहरे रोज की तरह घर से निकला था, लेकिन देर शाम उसका शव न्यू संजय नगर के पास पड़ा मिला, जिसके बाद आनन फानन में मृतक के शव को वहां के लोगों ने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया। वहीं शव मिलने के बाद परिजनों ने शराब ठेकेदार और उनके कर्मचारियों पर मारपीट कर युवक की हत्या करने का आरोप लगाया। मृतक के बड़े भाई अशोक शिवहरे ने कहा कि शराब ठेकेदार से उनके छोटे भाई श्याम की दुश्मनी थी, शायद इसी रंजिश के चलते किशन राठौर और सतीश राजपूत सहित कुछ अज्ञात लोगों ने मेरे बड़े भाई से मारपीट की, जिसमें उसकी जान चली गई। इस दौरान अशोक शिवहरे ने मांग करते हुए कहा कि सभी आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज कर उन पर कार्रवाई की जाए। इधर इस मामले में हजीरा थाना के एसआई अभिलाष सिंह तोमर ने बताया कि परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच की जा रही है। इसके साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। मृतक है जो मेरा छोटा भाई है और इसकी हत्या की गई है। मृतक श्याम शिवर है, इसकी मारपीट की गई है, मारा है शराब ठेकेदारों के आदमियों ने। जे अजीरा थाना क्षेत्र न्यू संजय नगर यादव धर्म कांटे के सामने। श्याम शिवर है तो मैं तो यहाँ अभी वीआईपी ड्यूटी से आया हूँ, तो इसका हम पीएम करवा रहे हैं और जो घटना होगी वो हमारी जाँच के बाद में। क्या घटना हुई थी, क्या बताया परिवार? हमने परिवार वालों से जो अभी हमारी बात नहीं हो पाई है, हाँ बता रहा है, है? नहीं नहीं ऐसा बता रहा है कि दादू के ठेका के पास में इसका वो मिला था, जिसे लेकर के यहाँ आए किसी लोगों ने मारपीट की है, ऐसा बता रहा है।